आप सभी का स्वागत है। आप बने हुए हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के साथ। हम आपको आज गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए आज एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी देंगे, उसकी मात्रा हमें कितनी देनी है, कितने ग्राम बीज से हैं को हम कितनी दवा के साथ उपचारित कर सकते हैं और बीज उपचार के क्या फ़ायदे हैं, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो इसी के साथ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई करने से पहले हमेशा बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, या बीज को उपचारित करा हुआ बोना चाहिए। तो जिससे होता है, शुरुआत शानदार होती है तो फसल दमदार होती है, फसल का शीघ्र जमाव होता है, मजबूत फसल, बीमारियों से सुरक्षा। तो हम आपको दवा की जानकारी देते हैं, आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। हम आपको बताएंगे BSF इंश्योर परफॉर्म के बारे में। इसकी आपको मात्रा कितनी देनी है, 1 ml दवा से जो 1 किलो बीज आप उपचारित कर सकते हैं। आपको इसकी 1 किलो बीज के लिए 1 ml दवा लेने हैं और उससे बीज को उपचारित कर देना है। तो इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल क्या है, ट्रेट्रिकोनाजोल पैराक्लोस्ट्रोबिन, ये दो कॉम्बिनेशन का को मिलाकर तैयार किया गया है BSF इंश्योरेंस परफॉर्म। तो बीज उपचार के फ़ायदे क्या हैं, बीज पर उपस्थित फंगस ख़त्म हो जाती है, बीज को उपचारित करने से कंडवा रोग की समस्या नहीं आती, बीज का जल्दी अंकुरण होता है, बीज का 100% अंकुरण होता है, बीज उपचारित करने से फसल स्वस्थ रहती है और उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उपज बढ़ती है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, अधिक फसल अच्छी होगी, अधिक पैदावार होगी, अंकुरण अधिक होगा, एक समान अंकुरण होगा, मजबूत जड़ें होंगी, शुरुआती बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी आपको, हरी भरी फसल रहेगी आपकी, मजबूत पौधा रहेगा फसल का, लूज स्मट से आपको समस्या ख़त्म हो जाए होगी, जड़ों का बेहतरीन विकास होगा जिससे आपकी फसल स्वस्थ होगी और जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी उपज पर पड़ेगा, जिससे आपकी आय दोगुनी होगी। तो इसी के साथ, आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।